और पूरा इन्होंने ये देखिए ये एक साथ ये लगाया हुआ और गन्ने की रस की पिराई नींबू के साथ ही होगी। अनस से नींबू निचोड़ने की जरूरत नहीं। खेती से गन्ने तैयार गन्ने का रस निकाला गया है और इसको सचिन जी जो बिक्री करते हैं प्लास्टिक या कांच के गिलास का प्रयोग नहीं करते हैं। मात्र 7 महीने का गन्ना है। ये 7 महीने का गन्ना स्वाद इतना बढ़िया है होने के कारण एकदम बड़ा अच्छा स्वादिष्ट लग रहा बहुत हल्का वो है जिसको कि मैं आज सीजन का पहला गन्ने के रस का सेवन कर रहा हूँ। सचिन जी आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और संभावना है कि आगे आप इसको एक रोजगार के रूप में बनाएं और शीघ्र ही जो आप राब बनाते हैं वो बनाएं गुड़ और गुड़ में वैल्यू एडिशन करके गुड़ तैयार करें जाड़े का सौंठ और मेवा डाल करके ताकि हम लोग इसकी बिक्री के लिए आगे कदम बढ़ा सकें अपने समूह के माध्यम से। धन्यवाद। डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव प्रोफेसर एग्रोनॉमी का हूँ और चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर का जनपद फिरोजाबाद में सेंटर है कृषि विज्ञान के उसमें मैं कार्यरत हूँ और इस जनपद में विश्वविद्यालय की तरफ से प्राकृतिक खेती के लिए वर्ष 2021 में नामित किया गया हूँ और मैं यहाँ पे किसानों के बीच में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का कार्य कर रहा हूँ। इसके आज हम देख रहे हैं इनके खेत में ये आप देखिए पूरे उसमें ये मचान भी से पूरे में ये लौकी की बेल फैली हुई है ये और फूल भी आए हुए हैं इसमें और लौकी की छोटी छोटी बतियाँ भी लगी हुई हैं ये देखिए ये है और बड़ी लौकी भी है और लौकी का कलर और सॉफ्टनेस देखने लायक है कि किस छोटी बतियाँ बड़ी बतियाँ और मीडियम जो कि मार्केट में आज की अनुभव में बहुत बड़ी लौकी का प्रयोग नहीं होता है केवल जो है छोटी लौकी का होता और उसी के साथ इन्होंने ये देखिए एक लौकी का है जो लौकी इन्होंने बीज के लिए तैयार कर रहे हैं। इसी लौकी के बीज को पूर्ण रूप से पकने के पश्चात ये बीज निकाल के बीज के लिए प्रयोग और समूह के सदस्यों को बांट करके प्राकृतिक रूप से कितने बढ़िया गेंदा इनका लगा हुआ है गेंदे का ये फूल लगा हुआ है गेंदे के साथ इन्होंने अपने खेत में टमाटर भी लगाया हुआ है ये देखिए टमाटर गिरा जा रहा है ये देखिए टमाटर किस प्रकार से पौधे की लंबाई में लदा हुआ है ये लदा हुआ है टमाटर। अब इसके साथ ही मैं आप एक इनका 3 टायर सिस्टम से इन्होंने अपना रखा है ये इनका अमरूद का और पूरा इन्होंने ये देखिए ये लगा हुआ कम से कम ये 5 किलो से कम का नहीं होगा इसका वेट ज़्यादा ही होगा। एक ये फूल आया हुआ है देखिए इस समय ये बेल पूरी इनकी ये फैली हुई है मेड़ के किनारे पे ये फूल आया है। एक ये देखिए इनका दूसरा कद्दू का फल है ये लगा हुआ है जो कम से कम 10 किलो से कम नहीं होगा। इस प्रकार से ये अपने इस छोटे से खेत में ये कितना बिस्वा खेत है आपका ये 1.5 बीघे खेत ये 1.5 बीघे खेत में ये फल भी करेंगे पपीता और अमरूद उगाएंगे मूली के साथ फूलों की खेती कर रहे हैं मूलों के साथ में इन्होंने नींबू लगाया हुआ जो कि नींबू ये अपना इस्तेमाल करते हैं ये कद्दू है इस प्रकार से इन्होंने मिर्चा भी लगाया हुआ अपने खेत में एक ही बेल है ये कम से कम पूरे मेड़ को चारों तरफ से ये घेरे और इसमें छोटे बड़े मिला के कम से कम इस समय प्रेजेंट टाइम में 15 कद्दू के फल लगे हुए हैं। औसतन एक कद्दू का वजन एक देखने से एक औसतन कद्दू का वजन 6 किलो से तो कम लगी ही नहीं रहा है और जो सबसे बड़ा वाला कद्दू देखा वो हमारे हिसाब से 10 किलो के करीब उसका वजन होगा। इस प्रकार से इनके इसी बेल से स्वस्थ बेल है इसमें इन्होंने केवल जीवामृत और घनामृत का इस्तेमाल कर रहे हैं ये देखिए पत्तों का कहीं भी आपको कुछ नहीं दिखेगा ये फूल है अच्छा ये मेड़ पे लगा हुआ है और जैसे कि जीवामृत में मेड़ की मिट्टी बताई जाती है कि मेड़ की मिट्टी डालें जीवाणु मिट्टी कही जाती है तो मेड़ की मिट्टी कितनी ज़्यादा जीवाणु युक्त और पावरफुल होती है उसका ये उदाहरण है कि एक बेल देखिए कितना ये तो देखिए चूँकि इस्तेमाल किया और आपने किसी प्रकार का रसायन इस्तेमाल नहीं किया कृत्रिम किम प्रमाण आपके सामने है जो एक किसानों के बीच में गलत
है कि केवल रसायन के द्वारा ही हम खेती कर सकते हैं, वो मिथ्यापन को थोड़ा ये देखिए छोटा सा कद्दू फलाया हुआ है। तो ये वो है किसान भाई अपने हमारी बात पे विश्वास ना करके छोटे से एरिया में इस प्राकृतिक खेती को अपनाएं और उसके बाद जब करके देखें और स्वयं पे विश्वास हो तब वो आगे के लिए बढ़े। इसके लिए सबसे ज़रूरी है आप देसी गाय को अपने यहाँ पालें और उसके गौमूत्र और उसके गोबर और का प्रयोग करते हुए जीवामृत, घन जीवामृत, जीवा और बीजामृत, निमास्त, दसपर्णियर, अग्नास्त, ब्रह्मास्त आदि दवाइयों को बना के प्रयोग करें और अपनी खेती के लागत को कम करते हुए अपनी आय को बढ़ाएं। बेल को लगाया हुआ है अपने इस पे पेड़ों पे ही चढ़ा करके और ये औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये सब्जी बनाई जाती है, डॉक्टर साहब सब्जी भी बनाई जाती है और ये काफी ताकतवर बताया जाता है। प्रोटीन युक्त है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ सेम भी है, ये सेम भी है, हरी सेम लगी हुई इसी में। इन्होंने अपने खेत में पेड़ नींबू के पेड़ और अमरूद के पेड़ पे इन बेलों को चढ़ा करके कद्दू सेम बरसेमा को लगाया हुआ है। मिर्च के पौधे, अब उन पर मिर्च लगना शुरू हो गई है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये मिर्च ऊपर की तरफ चल रही है, देखें आप ये लटक में नहीं है, ऊपर की तरफ इसका मिर्च की बनावट देखिए, ये आसमान की तरफ। तो इसका ये मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी है, ये वो प्रजाति है। देखिए आप ये मिर्च ये ऊपर की तरफ चल रही है, ये अत्यधिक तीखी होती है।